हेलो एवरीवन, दिस इज निशान। वेलकम टू माय चैनल। और आज पार्ट टू के वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टाइम में सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक घड़ी थी, उसके पास एक कार थी, बच्चों के पास कॉपियां थी, हमारे पास तुम्हारा पासपोर्ट था। होने की, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में आप कभी भी सब्जेक्ट की दशा के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात की जाती है। सो एग्जांपल के बेस से हम लोग समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो रूल इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज मीरा हैड ग्रेट फेथ इन कृष्णा। मीरा को कृष्ण में बहुत विश्वास था। तो मीरा के पास क्या था? विश्वास था। किस पे? कृष्ण में बहुत विश्वास था। सो मीरा इज अ सब्जेक्ट, देन हैड, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है, देन ऑब्जेक्ट ग्रेट फेथ इन कृष्णा। नेक्स्ट शी हैड अ डायमंड नेकलेस, उसके पास हीरे का हार था। सो सी इज अ सब्जेक्ट, देन हैड, देन ऑब्जेक्ट। ही हैड हिज ओन हाउस, उसके पास क्या था? अपना खुद का घर था। तो हिज ओन हाउस, ही के साथ हिज का यूज करेंगे। अगर यहाँ शी होता तो यहाँ पर हर का यूज किया जाता है। ही हैड हिज ओन हाउस। आई हैड मैनी डिग्रीज बट नो एक्सपीरियंस। तो देर आर टू सेंटेंसेस कि मेरे पास बहुत सी डिग्रियां थी लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। सो आप सेम सब्जेक्ट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे गाइज। आप आई हैड मैनी डिग्रीज बट नो एक्सपीरियंस, आप ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ओके, यू हैड अ गुड जॉब, तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी थी। सो पास्ट की बात हो रही है तो यू के साथ आप हैड का यूज करेंगे, देन अ गुड जॉब। दे हैड वेरी बैड हैबिट्स, उनकी क्या थी? बहुत बुरी आदतें थी उनकी। तो उनकी पास थी क्या था? बहुत। तो दे के साथ आप हैड का यूज करें, वेरी बैड हैबिट्स, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। वी हैड योर पासपोर्ट, हमारे पास तुम्हारा पासपोर्ट था। तो गाइज आप इसमें ध्यान देंगे कि आप सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है गाइज कि आप इसमें किसी भी काम के होने की या सब्जेक्ट की दशा के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो निगेटिव सेंटेंसेस में गाइज आप सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। डिड नॉट के साथ आप कभी भी हैड का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो द थीव डिड नॉट हैव अ नाइफ, चोर के पास चाकू नहीं था। He did not have any dream, उसके पास कोई सपना नहीं था। तो did not plus have का यूज करेंगे। The doctor had no tools, डॉक्टर के पास औजार नहीं थे। तो tools means औजार, यहाँ आपने had का यूज किया है क्योंकि had no tools। अगर आप यहाँ did not का यूज करते तो उस टाइम पर गाइज आप had का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि द डॉक्टर हैड नो टूल, दैट बैगर हैड नो मनी, उस भिखारी के पास पैसे नहीं थे। लेकिन अगर मैंने कहा कि दैट बैगर डिड नॉट हैव मनी, तो उस टाइम पर गाइज आप हैड का यूज नहीं करेंगे डिड नॉट के साथ। ओके, आई डिड नॉट हैव योर पेन, मेरे पास तुम्हारा पेन नहीं था। लेकिन अगर मैं कह दूं आई हैड नो योर पेन, मेरे पास तुम्हारा पेन नहीं था, दोनों कंडीशन तरह से आप बना सकते हैं। तो आपको दोनों रूल समझ में आने चाहिए कि आप डिड नॉट के साथ कभी भी हैड का यूज नहीं करेंगे। यू डिड नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स शास्त्र। सो तुम्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान नहीं था। सो गाइज आपको रूल्स समझने हैं एंड कंडीशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने हैं। ओके गाइज, तो दोनों तरह से आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए गाइज आप सब्जेक्ट के जस्ट पहले डिड का यूज करेंगे, डिड देन सब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है गाइज तो नॉट का यूज करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले आप डिडेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन हैव ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल के बेस से हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज डिड ही हैव हिज ओन बिजनेस, क्या उसके पास अपना खुद का बिजनेस था?
तो डिड आप सब्जेक्ट के जस्ट पहले आपने डिड का यूज किया, देन ही सब्जेक्ट हैव, देन ऑब्जेक्ट हिज ओन बिजनेस, क्या था उसका खुद का बिजनेस। डिड द चाइल्ड हैव अ बाइसाइकिल, क्या बच्चे के पास साइकिल थी। सो द चाइल्ड इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले आपने डिड का यूज किया, देन सब्जेक्ट हैव अ बाइसाइकिल, क्या थी एक साइकिल। Did you have good marks in high school? क्या high school में तुम्हारे अच्छे number थे? तो इसमें भी होने की बात हो रही है कि तुम्हारे number अच्छे थे। So did, you is a subject, तो you के just पहले आपने subject के पहले did का use किया। Did you have good marks, क्या थे अच्छे number कब? High school में, in high school। How much money did they have at that time? How much money, आप मनी के साथ हाउ मच का ही यूज करेंगे गाइस। वैसे आपको पता है कि हाउ मैनी काउंटिंग के लिए एंड मनी को भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन आप मनी के साथ हमेशा हाउ मच का ही यूज करेंगे, कभी भी हाउ मैनी मनी नहीं बोला जाता है। ओके सो उस टाइम पर, एट दैट टाइम, उस टाइम पर उनके पास कितने पैसे थे। सो हाउ मच मनी, देन आपने डिड का यूज किया। अगर आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो डिड के जस्ट पहले आप WH फैमिली के वर्ड को यूज करेंगे। ओके सो हाउ मच मनी डिड दे हैव एट दैट टाइम, उनके पास उस समय, एट दैट टाइम उस समय कितना पैसा था। हुज हाउस डिड यू हैव, हुज हाउस किसका घर। ओके हुज हाउस किसका घर, किसका पेन, हुज पेन, हुज चेयर। तो Whose house did you have? तुम्हारे पास किसका घर था। तो did, then subject, then have, किसका घर, आपने question word के साथ, आप whose के साथ जिस चीज के बारे में question किया जाता है guys, आप whose के just साथ में ही उसका नाम लिखेंगे। How many chairs did they have? उसके पास कितनी कुर्सियां थी। तो हाउ मैनी आप काउंटिंग के लिए यूज करेंगे, तो चेयर आप काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मैनी चेयर, देन डिड, did they subject have, okay so how many chairs did they have। so guys it's very important कि आप rules समझें, उनको learn करें, लेकिन condition should be clear, आपकी condition clear होनी चाहिए, क्योंकि condition के according आपको rules follow करने हैं। so do practice and thank you for watching it।